सीटू के राष्ट्रीय आह्वान पर 10 जुलाई को प्रदर्शन हुए थे पूरे देश में, और 10 जुलाई को क्योंकि हिमाचल के अंदर उपचुनाव था तो इसलिए 18 जुलाई को हमने प्रदेशव्यापी प्रदर्शनों का आह्वान किया था। और हमारा सीधा मानना ये है कि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से मोदी सरकार ने काम किया, पूरी तरह से अमीरों के लिए किया, अंबानी अडानी के लिए किया, टाटा बिरला के लिए किया, और उसका खामियाजा उनको चुनाव में भी भुगतना पड़ा। आप सबको मालूम है कि कोरोना काल में किसानों के खिलाफ 3 कानून लाए मोदी सरकार ने, लेकिन आंदोलन हुआ तो मुंह की खानी पड़ी। मजदूरों के खिलाफ 4 लेबर कोड लाए। ये लेबर कोड क्या है? 44 कानून जो देश के अंदर बने थे 1920 से लेकर अंग्रेजों के ज़माने से लेकर 100 साल के इतिहास में, ये 44 कानून को ख़त्म करके 4 लेबर कोड बना दिए। ये बंधुआ मजदूरी है, गुलामी, दास प्रथा को जन्म देने का एक षड्यंत्र है। 8 से 12 घंटे ड्यूटी करने का प्रावधान किया जा रहा है, और पक्के से कच्चे किस्म के रोज़गार की ओर जो मोड़ा जा रहा है। फिक्स टर्म का रोज़गार आएगा 3, 6, 9 महीने का रोज़गार, पक्का किस्म का रोज़गार नहीं मिलेगा। हड़ताल पर मजदूर जा नहीं सकता, हड़ताल पर जाएगा मुकदमे बनेंगे, और तरह तरह की सजाओं का प्रावधान है। 8 दिन के वेतन का काटने का भी प्रावधान है। हड़ताल 1 दिन करेगा मजदूर, वेतन 8 दिन का कटेगा। तो ये तानाशाही है, ये एक तरह से पूरी तरह से अंग्रेज़ों के ज़माने के काले कानून है। और जो आज श्रम कार्यालय हैं, लेबर कोर्ट हैं, इनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। फैक्ट्री और इंडस्ट्री मजदूर जो है 70% मजदूर जो है नए कानूनों में कानून के दायरे से ही बाहर हो जाएगा, तो कानून किसके लिए रहेगा? दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो देश के अंदर एक पूरी रीढ़ की हड्डी के रूप में गांव-गांव में काम करने वाले जो हमारे योजनाकर्मी हैं, आप जानते हैं जो आंगनबाड़ी के कर्मी हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, 2500 तरह की योजनाओं को सरकार की धरातल पर उतारते हैं, घर घर ले जाते हैं। जो वर्ष 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार के समय में जो निर्णय हुआ था कि आंगनवाड़ी, मिड डे मील और आशा वर्कर को नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, आज 11 सालों के बाद भी मोदी सरकार वो दर्जा नहीं दे रही है, उल्टा बजट घटाया जा रहा है। निजीकरण की साजिश है, वेदांता के हवाले करने की साजिश है, और जो है नियमित समय पर वेतन भी नहीं मिलता आंगनवाड़ी को, मिनी आंगनवाड़ी को तो 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो मिड डे मील की योजना का ही नाम बदल दिया, पीएम पोषण योजना कर दी, और उसमें डीबीटी की बात हो रही है, पैक्ड फूड की बात हो रही है, छटनी की बात हो रही है, और आशा वर्कर जो है जिन्होंने सबसे एक बेहतरीन भूमिका अदा की कोरोना काल में, सबको मालूम है मेडिकल स्टाफ के साथ, और उनसे भी पहले शायद घर में कोई दवाई लेकर पहुंचता था वो आशा वर्कर था। मैपिंग किसी ने की तो आशा वर्कर और आंगनवाड़ी ने की, लेकिन उनका वेतन भी इस तरीके से नहीं दिया जाता है, पूरा शोषण एक है। 26,000 रुपये वेतन की हम लड़ाई पूरे देश में मजदूरों के लड़ रहे हैं। आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं, जो ठेका मजदूर हैं, उनकी रेगुलराइजेशन का सवाल है। पुरानी पेंशन योजना को पूरी तरह से लागू करने की हम पूरे देश में भी मांग कर रहे हैं, और हिमाचल के अंदर भी आपको मालूम है कि बोर्डों और कॉरपोरेशन के अंदर जो है ओपीएस लागू नहीं हुई है, सुक्कू सरकार उस बात से मुकर गई है एक तरह से। और जो मनरेगा और कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जो हिमाचल के सबसे ज़्यादा संख्या में हैं, जिनको जो लाभ मिलते थे श्रमिक कल्याण बोर्ड से, जिसमें उनके बच्चों को स्कॉलरशिप है, मृत्यु होने पर उसमें मुआवजा राशि का प्रावधान है, प्रसूति के राशि का सवाल है, उसमें मेडिकल सहायता का सवाल है, दसियों तरह के और फायदे हैं, ये सारे फायदे सुक्कू सरकार ने भी रोक दिए अगले दिन ही, जिस दिन सब शपथ ली थी पहला निर्णय ये लिया था मजदूरों के खिलाफ, और आज आप देख रहे हैं लगभग 1.5-2 साल होते आए उसको बहाल नहीं किया है। तो ये सारे विषयों को लेकर जो है हम आज का ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर ब्लॉक और जिला मुख्यालयों में इस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं। और निश्चित तौर से हम मोदी सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि अगर आप लेबर कोड को लागू करने के लिए आगे बढ़ेंगे, जैसा आप कह रहे हैं कि 100 दिन का एजेंडा में हम लागू करेंगे, तो वैसा ही मुकाबला आपको करना पड़ेगा जैसा मुकाबला किसानों के साथ आपको करना पड़ा था, और किसानों ने बाद में आपको मजबूर किया था अपनी गलती को कबूल करने के लिए, मजदूर भी आपको मजबूर कर देगा। दोबारा से दिल्ली कूच करने वाले रहे हैं, अंबाला क्रॉस कर चुके हैं, क्या कहेंगे काले कानून, कृषि कानून भी वापस? निश्चित तौर से वो आपको मालूम है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो लोकतंत्र की रक्षा की है। तानाशाही को एक तमाचा मारा कोर्ट ने, कोर्ट ने साफ कर दिया ये सड़कें आपकी नहीं है, सरकारों की, ये जनता की हैं। अगर जनता अपने मांग को लेकर अगर लोकसभा के बाहर ना जा पाए, संसद के बाहर ना जा पाए, विधानसभा के बाहर ना जा पाए, तो जो राम मनोहर लोहिया कहते थे एक समय में कि अगर सड़कें वीरान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, तो वो तो बिल्कुल निश्चित तौर से उस तरीके से देखने में आ रहा था 10 साल में।
कि किस तरीके से दबाया जा रहा था, कीलें गाड़ी जा रही थी, बैरिकेड खड़े किए जा रहे थे, और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि आप बैरिकेड हटाइए और इनको जाने दीजिए। तो किसान भी अपनी मांगों को लेकर बढ़ रहे हैं दोबारा से दिल्ली की ओर। माना जाए कि सेंटर की सरकार कानून से भी ऊपर है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से नेचुरली है। हमारे देश का संविधान क्या हमें इजाजत नहीं देता है? क्या आर्टिकल 19 देता नहीं है क्या अधिकार हमारे को सभा करने का, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार क्या हमें देता नहीं है वो? क्या ट्रेड यूनियन एक्ट जो बना था 1926 में अंग्रेजों के ज़माने में, जिसके लिए बाद में भगत सिंह ने जो शहादत दी, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, जो ट्रेड यूनियन का मजदूरों का जो कानून बना और अंग्रेजों ने उसको ख़त्म करने की कोशिश की, उसी वक्त जो है भगत सिंह ने बम गिराया था ना संसद के अंदर, उस वक्त केंद्रीय असेंबली के अंदर, और ये कहा था कि मजदूरों के कानून अगर ख़त्म होंगे, किसानों के कानून ख़त्म होंगे, तो अंग्रेज़ों को उसका मुकाबला करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर से जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने निर्णय दिया काबिले तारीफ है, और किसान वहाँ उस अपने मुद्दों को लेकर बढ़ रहे हैं, और मजदूर जैसे आज हम मजदूरों की तरफ से जो CITU के बैनर तले पूरे देश में लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूर किसान अपनी एकता बनाकर दोबारा से जो है मोदी सरकार की घेराबंदी करेंगे। हमारा एक ही मकसद है कि अमीरों के साथ जो ये सरकार खड़ी है पिछले 10 साल से, इसको ये बताना है कि ये देश की जनता ज़्यादा गरीब है, और इनके कानूनों से अगर आप छेड़खानी करेंगे तो निश्चित तौर से आपको मजदूरों और किसानों से आक्रोश का जो है उसका सामना करना पड़ेगा।